देखिए अम्मी की, मेरी मदर जो है उनकी तबीयत ठीक नहीं है, मेरी मेरे वालदैन, मेरी स्पेशली मेरी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, वो काफ़ी बीमार हैं। और इसके अलावा मैं बस थोड़ी सी, अम्मी काफ़ी बीमार है और मेरे पास ऐसी अभी आपको एनर्जी, आपको टीम चाहिए, मैनेजमेंट, अम्मी के अंदर एक वफादारी, जिस सिंसेरिटी के साथ उन्होंने मेरा साथ दिया, मेरी परवरिश की और मेरा साथ दिया, स्पेशली अच्छे और बुरे वक्त में घर को संभालना, करियर को संभालना, चीज़ों को, तो इस तरह से ऐसा ही साथ चाहिए किसी भी प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने के लिए, या अस्पताल का जो मंसूबा, तो उसमें मुझे साथ चाहिए, सिंसियर पार्टनर्स चाहिए। मैंने आपसे ये कहा है कि अब मैं इंशाल्लाह ताला आपसे मेरी मुलाकात होती रहेगी, हर महीने मैं आपके साथ मेरी मुलाकात होगी इसी प्रेस क्लब में, और इसके अलावा मैं मुल्तान भी जा रही हूँ, गुजरांवाला, कराची, पूरे पाकिस्तान में बड़े शहरों में मैं सबसे मिलने के लिए, जो हमारे सहाफ़ी हैं सब लोग, तो मैं इलेक्शन ही मेरी, मैंने आपको बताया कि मेरी 1 जुलाई से मैं अमराव जनता, एक बड़ा सीरियस और बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत चैलेंजिंग है, जैसे अभी आपने देखी हीरा मंडी, तो बहुत सीरियस है, बहुत मेहनत की ज़रूरत है, तो 1 जुलाई से हम, तो मैं यहाँ पर शुक्रिया अदा करना चाहूँगी ख्वाजा राहत साहब का, सलमान भट्ट साहब का, हम यूनाइटेड स्टेट्स से संगीता बाजी का। मुझे पर्सनली, मैं मरियम नवाज, जब मैडम को मैं देखती हूँ तो मैं, मुझे वो बहुत बहुत मेहनती हैं और वो मुझे बहुत इंस्पायर करती हैं, बहुत मेहनती हैं और बहुत लगन से काम कर रही हैं, और मैं उनको जिस तरह, देखिए मैं महंगाई से, मेरी बात सुने, मैं सीरियसली ये कहना चाहूँगी कि आवाम बहुत परेशान है, लोग बेचारे, गरीब लोग, रोज़गार नहीं है और बेरोज़गारी है, तो आवाम जो लोग हैं जिनके पास जॉब्स नहीं हैं, खाने के लिए पैसे नहीं हैं, और तो वो लोग बहुत परेशान हैं बजट को लेके, बेरोज़गारी को लेके लेकर। तो मैं इसके अलावा बस मेरा ये था कि आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, अब हमारी मुलाकात होती रहेगी, और इसके अलावा कोई अगर कोई सवाल है तो हसन, देखिए पहली तो मेरी अभी ये कोशिश है कि ये फिल्म मुकम्मल हो, हम ये फिल्म मुकम्मल करें, फिर इसके बाद तो किया था।
देखें अम्मी ने एक मुद के एक गांव है, वहाँ पे इमाम बारगाह उन्होंने वो मुकम्मल किया है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग ज़रूर उस इमाम बारगाह को आप विज़िट करें जो अम्मी ने बनवाया है, और आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। जी फरजाना, अस्सलाम वालेकुम फरजाना, कैसे हैं हसन जैदी आप? खैरियत से हैं? इशफाक साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। जी फरजाना, और मैं आपसे ये अब मैं इंशाल्लाह आप सबसे मिलती रहूंगी, बहुत सीरियस काम हम करने जा रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला अब आपको हम आपको बहुत अच्छा काम नजर आएगा पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से। टेलीविजन के जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं आपको बहुत अच्छा काम देखने को मिलेगा, क्वालिटी मिलेगी और क्वालिटी मिलेगी। जी हाँ, माई डियर हस्बैंड, माई डियर हस्बैंड, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आपने अब रेड लिपस्टिक का आपने मेरा साथ देना है, और अब आप और अब हम साथ साथ हैं, और मैं इंशाल्लाह अब हर महीने दो वीक के बाद, तीन वीक के बाद मेरी आपसे यहीं पर एक मुलाकात हुआ करेगी। अरशद अंसारी साहब, उन्होंने मुझे इनवाइट किया, और वो आप सबसे बहुत, आप सबसे बहुत प्यार करते हैं, आप सबका बहुत एहतराम करते हैं। दूल्हा कहाँ जाए? लड़का फिर आप लाइए। देखिए अमराव जनदा हिंदुस्तान में एक फिल्म बन चुकी है, रेखा जी ने काम किया था, फिर एक और, जी हाँ, तो बहुत अच्छा लिखा है स्क्रिप्ट परवेज कलीम साहब ने, तो हमारी कोशिश है कि हम एक बहुत ही खूबसूरत काम दिखाएं सबको, और मेहनत करें, पूरी टीम बहुत मेहनत कर रही है, और सब लोग बहुत बहुत सीरियसली इन्वॉल्व हैं प्रोजेक्ट के अंदर, और हम बहुत मेहनत से हम इंटरनेशनल, जो एक इंटरनेशनल सतह का काम जैसे आप देखते हैं, तो इंशाल्लाह पाकिस्तानियों को हमारी टीम पर बहुत बहुत शुक्रिया।